स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के तत्वावधान में पलामू जिला में गठित प्रोफेशनल लर्निंग कम्युनिटी के प्रशिक्षण के लिए चयनित 110 मास्टर ट्रेनर को ऑनलाइन प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण पिरामल फाउंडेशन के प्रतिनिधि अवनीश चौबे एवं पलामू जिला प्रभारी नीलेश शर्मा के द्वारा दिया गया। विदित हो कि जिला के विभिन्न प्रखंडों में 40-40 शिक्षक शिक्षिकाओं का प्रोफेशनल लर्निंग कम्युनिटी बनाकर उन्हें कोरोना काल में बच्चों की शिक्षा जारी रखने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इन प्रशिक्षणों में शिक्षकों की मानसिक मजबूती, कोरोना संक्रमण के प्रति जागरूकता व सावधानी, नई शिक्षा तकनीकों को अपनाने, सकारात्मक व रचनात्मक सोच के साथ शैक्षिक पहल करते रहने एवं बच्चों को जरूरत के मुताबिक सहयोग व सराहना करते हुए उन्हें पढ़ाई से जुड़े रखने जैसे विविध विषयों पर फोकस किया जा रहा है। आज के ऑनलाइन प्रशिक्षण में अवनीश चौबे के द्वारा विकासोन्मुखी मानसिकता एवं जड़ मानसिकता पर प्रकाश डालते हुए सामग्री स्क्रीन शेयर किया गया तथा शिक्षकों से खुले तौर पर विचार आमंत्रित किए गए। अंततः सबने माना कि बुद्धि पूर्व निर्धारित नहीं होती, लगातार प्रयास करने से यह बढ़ती जाती है। हमें सकारात्मक सोच के प्रयास करने चाहिए और प्रत्येक बच्चों के स्तर को ऊंचा उठानी चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने सभी मास्टर ट्रेनर को इस वॉट विश्लेषण करने के तकनीक की जानकारी दी। दरअसल इनके माध्यम से कोई शिक्षक एवं संस्थान द्वारा अपनी शक्ति, कमजोरी, सुअवसर एवं चुनौतियों का विश्लेषण किया जाता है तथा फिर बेहतर परिणाम के लिए पहल किया जाता है। प्रतिभागियों ने इस युक्ति को काफी पसंद किया। प्रशिक्षित सभी मास्टर ट्रेनर अगले सप्ताह आवंटित समूह प्रोफेशनल लर्निंग कम्युनिटी को प्रशिक्षण देंगे। महामारी के समय में ऐसे प्रशिक्षण बच्चों व शिक्षकों के लिए कारगर साबित हो रहे हैं। इसी ऑनलाइन कार्यशाला में पिरामल फाउंडेशन के प्रतिनिधि अवनीश चौबे एवं पलामू जिला प्रभारी नीलेश शर्मा, मास्टर ट्रेनर सहित कई शिक्षक मौजूद थे।